थोड़ा नीचे का नजारा भी बता देता हूँ। ये देखिए नीचे का नजारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल स्क्रैच से आपके लिए हम वीडियो कर रहे हैं। मिस्टर पायलट, ये रेडी सेडी गो। वो पूरे राउंड में घुमाया जाएगा। ये देखो ये आर यू रेडी गाइस? यस। बहुत डर लगता था पर वो चीज खत्म हो गई। हाँ, से वो चीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फील ऊपर कैसा आया? बहुत तगड़ा आया, बहुत बहुत तगड़ा आया। डर लगेगा लेकिन नहीं लगा। मजा आ रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना, तो डर 1% भी नहीं लग रहा है। ये नहीं चला है ना तो भाई जयपुर में कुछ नहीं चला। हमारे भैया है ना वो काफी एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ ऐसा कराते ना आपको बिल्कुल पता ही नहीं। So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए भाई राजस्थान की पहली पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर पैराग्लाइडिंग लेके आए भाई राजस्थान में। सबसे पहले जयपुर में ही आ चुकी है। कहां से आपको आना है, कितने की है और इसकी प्राइस कितनी की, सारा आपको इस वीडियो में आज आपको आपका मिस्टर जयपुर दिखाने वाला है। तो भैया देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? इंट्रो कर दें, कर दे एक बार इंट्रो। नमस्कार, जयकाल खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जयपुर। और भैया आज आपका मिस्टर जयपुर कितनी खतरनाक, कितनी धांसू चीज आपके लिए लेकर आया है ना, आपको भी अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होगा। अभी जाएंगे 500 फीट की हाइट पर और आपको वहां से पूरा व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में और जयपुर के बाहर जो ऐसी खतरनाक खतरनाक धांसू धांसू वीडियो है ना आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो भैया देर किस बात की, चलिए चलते हैं इसके अंदर और करते हैं फ्लाई और ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। आज आपका मिस्टर जयपुर उड़ेगा आसमान में और वहाँ से नज़ारा आपको दिखाएगा, एकदम शानदार शानदार, ठीक है? तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं, अभी हम अंदर जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा आप साइड में लेके चलिए, देखिए। और ये देखिए इसको ऐसे टोचन करके अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि एक पूरा ग्राउंड है वहाँ पर ये जाके पर्टिकुलर एक्टिविटी है ना वो परफॉर्म की जाएगी। ये तो सिर्फ एक है ना, अभी जा रही है तो नॉर्मल मशीन लग रही है, जब ये हवा में जाएगी ना तो सोचे कितनी प्यारी लगेगी। देखिए कितना मतलब कितना मेहनत का काम होता है इसको ले जाना। सो गाइज गरुड़राज एक्टिविटीज़ है, वो अपने जो बगरू आता है ना अजमेर बाईपास पर, उसके आगे महिला आता है, महिला में मैगडी है। आप थोड़ा कैमरा पीछे करके, थोड़ा मैगडी है, ठीक है? वहाँ से इसके जस्ट पीछे ही है ना ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और यह है स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट फ्लाइंग, मतलब यदि आपके मन में इच्छा है कि यार मैंने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं करी, क्या कुछ भी नहीं करा, बहुत दूर हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली नैनीताल की तरफ जाना पड़ता है पैराग्लाइडिंग के लिए, वो मज़ा आपको जयपुर में देगा गरुड़राज एक्टिविटी, ठीक है? नंबर वगैरह देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप मैगडी के लिए एंटर करेंगे ना, NDCTS के अंदर जाके एक्टिविटी परफॉर्म होगी, बाकी मैंने आपको बता दिया, मैगडी ध्यान में रखना है। सो गाइस इसका बेस्ट शॉट लेने के लिए ना मेरे को पीछे की तरफ मुंह करके बैठना पड़ रहा है, और पीछे हमारी दो गाड़ियां और आ रही है, और लिटरली हम इसके ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं। और ये देखिए भाई, ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से इसका जो भी प्रिपरेशन होगा ना वो किया जाएगा। और ये देखिए भाई, ये इसका पूरा ट्रैक है, ऐसा लग रहा है सर। आई जस्ट स्टॉप ड्रीमिंग। सो गाइज अभी इसकी टेस्टिंग की बारी है, इसको उड़ाने से फ्लाई करने से पहले इसके दो चक्कर राउंड में कटवाए जाएंगे हमारे भाई हमारे साथ। सो भैया लीवर खींच के को स्टार्ट करने वाले, तो भैया एक बार स्टार्ट करके बता दीजिए। और इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद है ना इसको पूरे राउंड में घुमाया जाएगा। ये देखो ये चल गया, ये देखिए। ओ भाई बहुत जोर से हवा रही है, बहुत जोर से हवा रही है गाइस की ना, राजस्थान में ना ऐसा। ओ भाई साहब, मतलब मेरी आवाज आपको आ नहीं होगी ना, बट इसका जो है ना ये हवा, ये बहुत ही तेज बहेगा। ये देखिए वो चला गया वहां पर, ठीक है? अभी इसकी जस्ट एक टेस्टिंग की जा रही है कि सब पार्ट सही से काम कर रहे हैं, सब ओके है, डन है, तभी इसको फ्लाई करवाया जाएगा। या ये देखो, ये यहाँ से गए वापस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष यादव और मैं यहीं वैशाली चित्रकूट से हूँ, और हमने रिसेंटली जयपुर में नवंबर में एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसे हम पावर पैराग्लाइडिंग कहते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है,
ये ग्राउंड टू एयर फ्लाई करता है, जबकि आप जो पैराग्लाइडिंग करते हैं हिमाचल की तरफ उत्तराखंड में, वो होती है एयर टू ग्राउंड। सो इसके अंदर क्या होता है, ये मशीन होती है जो आप देख रहे हैं, ये मशीन होती है, ये मशीन और पीछे जो आप देख रहे हैं फैला हुआ, वो ग्लाइडर होता है। सो हिमाचल में क्या होता है, केवल ग्लाइडर के साथ में फ्लाई किया जाता है और वो डिपेंड करता है विंड पे। यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड से हम एयर में फ्लाई कर रहे हैं तो ये जो इंजन है, सो ये इंजन ग्लाइडर को हवा देता है। सो ये कंट्रोलिंग जो होती है मशीन से होती है। सो मशीन के लिए हमने ये जो मशीन परचेज़ की है, इसका नाम है रोटेक्स 503। ये इसका इंजन है, मेड इन ऑस्ट्रिया है। सो अभी फ़िलहाल सारा सब कुछ जो होता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज़ इंडिया में अभी ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक ग्राउंड चाहिए, अच्छा क्लियर ग्राउंड चाहिए, एकदम विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सिटी से दूर होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड मैंने यहाँ पे जो देखा है मेरे लिए पूरा क्लियर है। यहाँ पे आप सामने देखोगे पूरा हाईवे वाला व्यू आपको दिखेगा, हाईवे से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी भी नहीं है। और इस ग्राउंड में जो मैंने लिया, यहाँ से लेके कम से कम ये 10-12 बीघा का मैंने पूरा ग्राउंड यहाँ पे लीज पे लिया है, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी स्टार्ट करी है। सो अभी फ़िलहाल मैं जो प्लान कर रहा हूँ, एक एडवेंचर हब बनाने की प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैंने फ़िलहाल एक फ्लाई का स्टार्ट किया है, जैसे जैसे ये प्रमोट होता जाएगा मैं 2-3 एक्टिविटी और प्लान कर रहा हूँ जयपुर के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई भी आदमी जयपुर में आता है, टूरिस्ट आता है या लोकल जयपुर जो भी जयपुर वाले हैं, उनके लिए जयपुर में वीकेंड स्पेंड करने के लिए ऐसे कोई जगह जो है नहीं। लेटेस्टली आप देखोगे तो पुणे वगैरह 2-3 ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, बट उनसे इट्स फार डिफरेंट, फार अदर एक्सपीरियंस आप इसमें शेयर करोगे तो आपको बहुत अलग मिलेगा। एडवेंचर का मतलब एक इंडोर एडवेंचर एक्टिविटी होती है, एक आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटी होती है। सो दिस इज़ आपका आउटडोर एक्टिविटी। सो इसमें पैराग्लाइडिंग वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो प्लानिंग ATV राइड्स इन जयपुर। सो ATV के लिए आई हैव दिस ऑप्शन। सो ये ट्रैक ATV के लिए वी आर प्रिपेयरिंग। सो ग्राउंड अभी प्रिपरेशन पे चल रहा है, यहाँ से पूरा उसका ट्रैक बनेगा ATV से, बिकॉज उसमें थ्रिल थोड़ा टीले जैसलमेर के जैसा फील हम देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप उसे एंजॉय कर पाएँ, आपको अच्छा लगे, आपका अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हो। सो वो हो गया। इसके अलावा 2 एक्टिविटी बच्चों के लिए वी आर प्लानिंग। सो पिंक बॉल एक एक्टिविटी होती है, जिसमें जैसे उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे बैलून पहन के आपस में फाइट की जाती है, और इसके अलावा भी जंपिंग वाली एक्टिविटी वी आर ऑल्सो प्लानिंग। सो 2 for adults 2 for kids। सो गाइज अभी इसमें फ्यूल डालने की बारी आ चुकी है, फ्यूल डाल के अभी टेस्टिंग इसकी हो गई है। अब फ्यूल डालेंगे, जो पावर वाला पेट्रोल आता है ना, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला, वो इसमें डाला जाता है। हमारे पास कैन है और इसमें अभी वहाँ से हम उसकी नोज़ल ओपन करेंगे और उसके अंदर फ्यूल डालते हुए भी आपको दिखाएंगे कि एक पैरा मोटर में, जो कि राजस्थान में सबसे पहली पैरा मोटर है ना, यहाँ पर महिला में यहाँ पर खुली है, और इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसमें देखिए कैसे कैसे एडवेंचर का आपको कैसे फील आएगा, उसके पहले क्या प्रिपरेशन की जाती है, बिल्कुल स्क्रैच से आपके लिए हम वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यह वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आपका मिस्टर जयपुर ऐसी धांसू वीडियो आपके लिए लेके आता है। तो देर किस बात की, अभी डालते हैं इसके अंदर फ्यूल और करते हैं इसको हम स्टार्ट, ठीक। और ये देख, मैं थोड़ा सा आपको पास से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। कितने लीटर का टैंक होता है भैया? ये 40 लीटर का टैंक है इसमें। 40 लीटर का ले लगातार 4 घंटे का फ्लाई कर सकते हैं। 4 घंटे का फ्लाई कर सकते हैं। ये इसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल से क्या होता है, इसमें अलग से इसमें ऑयल का सिस्टम नहीं था, जैसे गाड़ी वगैरह अलग से ऑयल का सिस्टम, ठीक है। ये पेट्रोल के साथ में ही डाला जाता है, ठीक है। इंजन ऑयल की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट के हिसाब से। लुब्रिकेंट के हिसाब से जैसे स्कूटर में जैसे पेट्रोल के साथ लुब्रिकेंट डाला जाता है, वैसे ये काम करता है, ठीक है। सो ये लुब्रिकेंट का काम करेगा इसमें। सो लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो इसमें ये देखिए, ये डाला गया यहाँ पर लुब्रिकेंट, इसके बाद डाला जाएगा पेट्रोल। और ये एक जो ये एक बोतल ये डल जाती है पूरी 20 लीटर में डलती है, 20 लीटर में 25 ml डालते हैं, 1 लीटर में 25 ml डालते हैं। और बड़ा नाप से डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसका बड़ा रोल होता है। जी 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 जी, लुब्रिकेंट का बड़ा रोल है मशीन को, इससे लाइफ अच्छी रहती है, ठीक है, पार्ट्स की लाइफ अच्छी रहती है, ठीक है, इंजन की लाइफ अच्छी रहती है। So, इसलिए इसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है। ये देखिए इसमें ये अभी फ्यूल डाला जा रहा है, इसके बाद में क्या ग्लाइडिंग बांधी जाएगी इसके जो, हाँ उसके बाद में जो है एक बार और इसको स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका ग्लाइडर इसके साथ अटैच किया जाएगा, ओके, उसकी लाइन वगैरह क्लियर करके, ठीक है, इसको रेडी किया जाएगा फ्लाइंग। ओके, अभी तो खुले हुए भैया 1.5 महीने हुआ है, और सबसे पहले वीडियो है ना मिस्टर जयपुर आपके लिए डाल रहा है, तो आपका क्या काम है भैया, लोगों को क्या करना है जल्दी से बताओ। सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आप कर दीजिए वीडियो। सो गाइज अभी जो इसका ग्लाइडर है ना, जिसे हम पीछे बैलून की तरह दिखता है ना बड़ा सारा, वो यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। इसका पूरा
एक बार टेस्ट इसका भी किया जाएगा और ये पूरा यहाँ पर ग्राउंड पे फैला दिया जाएगा और ग्राउंड में फैलाकर इसको भी बारी बारी से चेक करके फिर इसमें जो मोटर है ना इसमें इसको अटैच किया जाएगा। सो मनीष भैया अभी आप क्या कर रहे हैं? सो अभी मैं एक एक लाइन को चेक करता हूँ। अच्छा, एक एक लाइन को चेक करा जाता है? यस, असेंबल करने से पहले। ठीक है, से पहले ग्लाइडर को चेक किया जाता है पूरा प्रॉपर कि कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है, गलती से कहीं पे कुछ कट तो नहीं है, सारा हम चेक करते हैं। उसके बाद एक एक लाइन को चेक करते हैं हम लोग कि लाइन में कहीं फॉल्ट तो नहीं आया है, कहीं से क्रैक तो नहीं आया है, सारा हम उसको देखते हैं। पूरा सेफ्टी का मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। 1% भी हम जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सेफ्टी में। हाँ, राइट। सो अभी देखो ये लाइनों को मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ये लाइन पूरी चेक हो जाएगी? या या या, इसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, सारा हम चेक करते हैं। उसके बाद में जो है हम जो है इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, राइट। सो सारी लाइनें अपन ने चेक कर ली, ये पूरी लाइंस जो है वो चेक हो चुकी है। यस यस, एक एक लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सो वी कांट से कि यार एक लाइन नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ग्लाइडर की बैलेंसिंग पे बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक, राइट। सपोज एक लाइन फ्लाई करते टूट गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इंसिडेंट होने का कोई इशू नहीं है, बट उसकी बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सो हर लाइन का इंपॉर्टेंट रोल है जो ग्लाइडर कंपनी ने बनाया है। पूरी इतनी ही लाइन दी है, क्यों दी है, सारा टेस्टिंग होता है, बैलेंसिंग होती है, उसके बाद में ये बनाया जाता है असेंबल। ठीक है। सो भैया एक क्वेश्चन जो रहता है कि सेफ्टी के पर्पज से मतलब जो भी क्या और क्या फॉर्मेलिटीज यहाँ पर की जाती है? राइट, सो सेफ्टी आफ्टर चेकिंग ऑल मतलब मशीन की टेस्टिंग हो गई, ठीक है, ग्लाइडर की टेस्टिंग हो गई, लाइन की टेस्टिंग हो गई, राइट। ठीक है, सो ये कैराबिनर पिन होती है ये, ठीक है। सो ये लॉक्ड होती है, आप इसको खोल के देखिए, नहीं खुलेगी आपसे। हाँ, कैसे खोलते हैं इसको? मेरे को तो खोलना भी नहीं आता इसको यार, राइट। सो ये ही इसमें है, आप इसको, ये लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसे घूम के ऐसे खुलती है। ठीक है, सो आप हवा में ऑटोमेटिकली खुल नहीं सकती किसी भी प्रेशर से। सो मैंने इसको ऐसे अटैच किया और इसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएगी, आप कितना खींच लो कितना। फाइनल चेकिंग इसकी डन हो गई, इसके बाद क्या प्रोसेस? इसके बाद में पैसेंजर कोई भी आता है फ्लाई करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं पैसेंजर्स खड़े हैं फ्लाई करने के लिए, तो इनकी हमने बुकिंग्स की हुई है, अभी आएंगे, इनसे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्या कराते हैं, बुकिंग से बुकिंग कर ली इन्होंने, फिर ये हमारे पास में आते हैं, तो एक बॉन्ड बुक होती है जो हर एडवेंचर में मैंडेटरी होती है, चाहे आप मकाऊ टावर में जाके बंजी जंपिंग कीजिए, वहाँ पे भी आपसे जो है एडवेंचर बुक में एक बॉन्ड भराया जाता है, क्योंकि एडवेंचर है, माइनर सा रिस्क भी होता है, तो इसमें ऑब्वियसली कस्टमर का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ऑब्वियसली इसमें क्या होता है फॉर्मेलिटीज होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज आप कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज, जस्ट लाइक पुनो होता है, पुनो में भी आप जाते हैं, 1% का आपको नहीं लगता होगा कि यार कोई रिस्क है, ठीक है, स्टिल दे आर बाइंड यू टू साइन अ बॉन्ड। सो एक फॉर्मेलिटी होती है जो हम साइन कराते हैं क्लाइंट से, उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिया जाता है, यहाँ पे डेट आ जाती है, पूरा साइन किया हुआ है, ये देखिए, ये बीकानेर हम जब साइट पे गए थे तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जैसे डीएम सर, इनको सबको हमने फ्लाइंग करा है, बाकायदा उनका भी सिग्नेचर हमने लिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गगनदीप सिंगला सर हैं जो वहाँ पे एसीबी में एसपी लगे हुए थे, उनको हमने राइड कराई मतलब करने वाले हैं, पॉइंट साइन होने के बाद में कस्टमर को हम जो है यहाँ पे बैठाते हैं, उनके बाद में उनके साथ में जो है ये हेलमेट होते हैं जो हम अटैच करते हैं, उनको पहनना पड़ता है सेफ्टी पर्पज से, सो ये हम पहनाते हैं उनको, पायलट भी हेलमेट जो है वियर करता है, पैसेंजर को भी हेलमेट वियर करना पड़ता है, ठीक है। वो तो अब जब फ्लाई करेंगे तब सारा एक बार सीन हम अपने ऑडियंस को दिखा देंगे कि पूरा सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाता है। सो बच्चों को भी हम कराते हैं, बड़ों को भी हम कराते हैं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले 12-13 साल की गुड़िया ने करके गई है, उसको 1% डर नहीं लगता है, तो वो इशारा करते हैं, थम्स डाउन कर देते हैं, और अगर और ऊपर जाना है तो थम्स अप। 100 से 500 के बीच में वेरी करता है, किसी को अच्छा लग रहा है तो और हाइट लेनी है तो हमें अप्स कर देते हैं, तो थोड़ी हाइट और ले लेते हैं। तो हमारी पंचलाइन है, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट फ्लाइंग। सो गाइस मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ, जो प्राइस है ना वो पर हेड 2500 है, मतलब 2500 रुपये का प्राइस है पर राइड का, और टाइम जो रहता है 10 से 12 मिनट 15 मिनट जैसे भी हवा का जो फ्लो रहता है वगैरह, बाकी 10 मिनट तो मिनिमम होता ही होता है, ठीक है। मतलब आप है ना ये 2500 की कॉस्ट एक बार जब आप पूरा करके आएंगे ना तो समझेंगे यार इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी एडवेंचर एक्टिविटी हमको मिल रही है ना, तो हम क्यों ना जाएं भाई, ठीक है। और अगर आप मिस्टर जयपुर का नाम लेके आते हैं ना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है, जो आप भैया से बात कर सकते हैं, इनका पूरी डिटेल्स A to Z डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएंगी, कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जयपुर में 200 फीट बाईपास से आप लगभग 25 से 30 मिनट की ड्राइव है, अगर आप आते हैं तो ठीक है 25 से 30 मिनट की ड्राइव है, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे आराम से, बिल्कुल आप बाईपास के बगल में है,
ठीक है, आपको इतना मेहनत नहीं करनी यहाँ पे आने के लिए, बस मैकडी आता है महिला के आगे, थोड़ा सा मैकडी आता है, मैकडी के जस्ट पीछे है भाई, जस्ट पीछे आपको 2 मिनट लगने वाले हैं मैकडी से, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने दी है, और गरुड़राज एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है आज, हम यहाँ पर वीडियो करना है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सो गाइज अभी हमारी उड़ने की बारी आ चुकी है, सो मनीष भैया रेडी? चलो स्टार्ट कर दीजिए। ये अभी हमारे स्टार्ट हो चुका है, और ये भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, आपका आवाज के आदि को मजा आ रहा है, ये देखिए यार। देखिए इतना हाइट के ऊपर आ चुके हैं हम, और ये देखिए, और मैं आपको थोड़ा नीचे का नज़ारा भी बता देता हूँ, ये देखिए नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पर, और ये देखिए, और ये हमारे इंडिया है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद भी डर वर नहीं लग रहा मेरे को, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है ना तो डर 1% भी नहीं लग रहा है, और मतलब काफी फन है, पहली बार है भैया राजस्थान में, और ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, और ये देखिए आप, आपके सामने ये नजारा देखिए भाई साहब, क्या ही खतरनाक सीन कर रखा है, और ये हमारे भैया है। भैया एक नंबर मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब कह नहीं सकते इतना मजा आ रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल है भाई, बिल्कुल पैसा वसूल है, और लगभग अभी हम है ना 400 फीट ऊपर है जमीन से, 400 फीट ऊपर है, और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप देखिए ऊपर ऊपर ये ग्लाइडर है, और अभी आप मजे कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए हम। भाई यार अगर मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है ना तो भाई मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मेरे को एडवर्टाइज मतलब क्या फील हो रहा है ना भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं सातवें आसमान पर हूँ इस बार, मुझे मतलब इतने साल हो गए वीडियो बनाते हैं, पर इस वीडियो में मेरे को ना सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, और मतलब क्या खतरनाक सीन है, देखिए यहाँ से आप देखिए सीन ऊपर की तरफ देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर हम है, ये देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं काफी, भाई साहब अल्टीमेट अल्टीमेट मजा आ रहा है, मतलब आवाज पहुंच रही होगी ना, मतलब आप जरूर आइए भाई एक बार तो जरूर ना कीजिए, क्योंकि इसमें जितना फन है ना उतना किसी में इतना फन नहीं है भाई, मैं लिटरली कह रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है भाई।
आज तो गाइस अभी हमारी लैंडिंग होने वाली है ना, लैंडिंग होगी उसके बाद हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ये देखिए ये हमारी लैंडिंग होने वाली है, अभी लैंडिंग होने वाली है गाइस। गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आया, और मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो भैया पहले कभी नहीं किया भैया, एक नंबर चीज है, एक नंबर चीज। बहुत ही मजा आया, और मतलब कि ऐसी एक्टिविटी तो मैंने जिंदगी में नहीं किया आपकी। इसलिए तो स्टार्ट किया जयपुर के लिए भाई, भाई जयपुर से बाहर का भी देख लेना, आ जाओ भाई, आ ही जाओ ठीक है। मतलब इतना मजा मेरे को कभी नहीं आया सच में, ठीक है। कैसा लगा भाई तेरे को, कैसा लगा भाई? मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया ठीक है। तो गाइज मेरे साइड से तो थम्स अप है इस एक्टिविटी को, और तो हम निकलते हैं हमारे यहाँ से। मजा आ गया। How was the experience? अरे भैया एक नंबर बहुत ही खतरनाक है। ऐसा ही था जो फर्स्ट टाइम मैंने की थी वृंदावन में। So, just, मतलब कुछ बोल, मतलब मैं समझ नहीं पड़ता मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, इतना ऊपर और आवाज आएगी। मेरे को तो नहीं लगा, मैं तो आराम से ना मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा था भाई। तो ये ग्लाइडर होता है एकदम इतना मजबूत कपड़ा होता है कि इसमें से हवा पास भी नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे ना सो आपको एकदम ऐसा लग रहा होगा एकदम हल्का कपड़ा है जी। सो अगर आप इसमें से ऐसे कोशिश करके आप हवा मारने की कोशिश कीजिए, आपका पूरा दम लगा दीजिए, इसमें से हवा पास नहीं हो सकती। गाइस नहीं हो रही है इतना सा वो भी इसमें से पास नहीं हो सकता। और ये जो रस्सियां हैं मान लीजिए तो इतनी पतली रस्सियां हैं, देखो अगर मान लो किसी का सवाल हो, ऐसे जेन्युइन से पूछ रहा हूं मैं, जी जी है ना, कि अगर ये टूट जाए तो फिर? सर एक रस्सी पे 100 किलो वजन जो है बियर करने की कैपेसिटी होती है आपका 300 किलो। ये जो होता है ना ये 450 किलो का वेट आपका, मतलब 450 किलो का वेट कैरी कर सकता है, ठीक है राइट। ये ग्लाइडर जो है इसमें टॉप मोस्ट होता है, 42 साइज का ग्लाइडर है ये। ये सारी रस्सियां जो है इस लूप में लगती है। सो इसको हम बोलते हैं कैराबिनो। सो आप इसको पूरे ट्रक को लटका लीजिए इस रस्सी से, फिर भी ये रस्सी टूटेगी। जो लाइन है ना इसमें यहाँ पे फिक्स करके, या सो ये कैराबिना पिन होती है, कैराबिनर पिन होती है राइट। ये एक पिन की कैपेसिटी इतनी होती है, पूरा ट्रक लटका लो। अच्छा ये पिन कहीं नहीं जाएगी फिर भी, ये वाली पिन है। यस सो ये लोड ग्लाइडर का आपका मशीन का लोड लेके ये पिन चलती है। ग्राउंड में कितनी देर रहता है और हवा में कितनी दूर तक, मतलब कि कितने टाइम तक ये चला जाता है? ग्राउंड में मुश्किल से ये एक मिनट भी नहीं ठहरता है। अच्छा ये विद इन 20 सेकंड्स आपका जो है टेक ऑफ ले लेता है। 20 सेकंड में ये टेक ऑफ ले लेता है। यस ठीक है। फिर हवा में रहता है तो हम 10 से 15 मिनट की एक फ्लाइंग कराते हैं, जिसमें हमारे पास में जो ग्राउंड की परमिशन है दैट इज रनवे से 5 किलोमीटर की रेडियस, ठीक है। सो वी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट कंप्लायंस है जो कि हमें परमिशन मिली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लोकल अपना जयपुर एयरपोर्ट हो गया आपका सबसे, यस यस ATC वगैरह से हमें परमिशन, कम से कम इसमें 5 परमिशनें लगती हैं। तो अभी इनसे भी बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है? ऐसे नहीं भैया हम अगर वीडियो बनाने आए हैं तो हमसे बॉन्ड साइन नहीं करवाया जाएगा, सबको बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, और इनका नाम और इनका साइन, मोबाइल नंबर और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो भी इनसे यहाँ पर फिल करवाई जाएंगी। सो आर यू रेडी फॉर फ्लाई? यस आई एम। ओके देख लीजिए, उनमें तो ऐसे लिखा है कि हर वीकेंड पे आके फ्लाई करना है तो आ जाना भाई। गाइस हमारे पैसेंजर तैयार है, हमारे पायलट तैयार है, आर यू रेडी गाइस? यस ठीक है। डर लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, हवा में उड़ेंगे आज। भाई जब मनीष भैया राइड करवा रहे हैं, पायलट हमारे मनीष भैया, तो डर किस बात का भाई, और काफी मजा आने वाला है, तो एक बार थम्स अप कर दो भाई। बहुत मजा आने वाला है और इट्स ए लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ वो बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। जब मैंने किया था फर्स्ट टाइम मैं केदारनाथ के जा रहा था। अच्छा सो 2019 की बात है, तो वहाँ पे वृंदावन में मैंने फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा अच्छा। आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो पहले मेरे को हाइट फोबिया था, अच्छा बिलीव मी, बट मेरे को पहले हाइट फोबिया था। सो जब मैं मशीन में राइड करके आया 10 मिनट की, आई वॉज लाइक लॉस्ट। सो अब ये लोगों को राइड करवाते हैं भाई, देखो। सो आई लव फ्लाइंग एंड इट्स अमेजिंग, ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पर भैया हैं, ये हमारे स्टाफ हैं, ग्राउंड स्टाफ है, और आपका नाम बता दीजिए? राम सिंह जी हैं। गाइस अभी हमारे जो पायलट हैं वो रेडी हो रहे हैं, और इन्होंने सीट बेल्ट वगैरह लगाने का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट कर दिया है भाई। इसके बाद हमारे पैसेंजर बैठेंगे, बैठिए मिस्टर बैन, और इसके बाद ये फ्लाई करने वाला है भाई।
ये देखिए ये पूरा अप्लाई करने के लिए तैयार है। सो आर यू रेडी गाइस? सो गाइस देखिए वो जा चुके हैं वहां पर, ठीक है वो फ्लाई कर चुका है और देखिए वहां पर जा चुका है, यहाँ से उड़ा था और देखिए कितना ऊपर वो जा रहा है। हमारा जो पैराग्लाइडर है पैरा मोटर है वो आ चुका है और कम से कम इनको 10 मिनट आने में लगे हैं। और देखिए अभी ये देखिए ये पूरा यहाँ पर लैंड होगा, यहाँ पर इस तरफ लैंड होगा ये, और देखिए इसकी आवाज़ ना बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसी है, ठीक है ये देखिए। और ये देखिए हम उसकी तरफ जाते हैं अभी, है ना, थोड़ा भाग के जाना पड़ेगा। रुको 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 भाई रुको, कैसा लगा आपको है? ये नहीं चला है ना तो भाई जयपुर में कुछ नहीं चला। सही बता रहा हूँ मजे आए कि भाई ढाई छोड़ो मैं पांच देने के लिए रेडी हुई। अच्छा सही में इतना कैसा लगा? अच्छा लगा कि वहाँ हिमाचल जाते इतना अच्छा व्यू, खेत वेत एकदम अच्छा, एकदम एक्सपीरियंस। और कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि भाई कोई सेफ्टी नहीं है, ये वीडियो वीडियो बनाए आराम से बैठ के वीडियो बनाए हैं, बैठे आराम से मजे आ गए, मजे आ गए। सो गाइस अभी हमारे साथ मैम है और मैम भी राइड अभी जाने वाली है, तो पहले हम इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बाद में जब आएंगी ना तब भी इनका एक बार एक्सपीरियंस लेंगे। तो मैम आपका नाम बताइए पहले तो, आपका श्वेता नाम अग्रवाल। श्वेता अग्रवाल जी है और श्वेता यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप पहली टाइम आए मैम? हाँ फर्स्ट टाइम। आपने आपको कैसे पता लगा कि ये यहाँ पर है? मेरे नोन आए थे प्रशांत जी हैं, उन्होंने बताया, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था। देखिए यहाँ पर इनका भी हम स्क्रैच से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एकदम है ना हम जो फीडबैक है ना भाई वो शेयर कर पाए, क्योंकि जयपुर में भैया इसके नीचे नीचे एक्टिविटीज है सारी है, इसके नीचे नीचे सारी एक्टिविटीज है ना, एक नंबर एक्टिविटी है वो। मैम ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो मिस्टर पायलट ये रेडी सेडी गो। अभी राइड करके आ चुके हैं, तो मैम आपका एक्सपीरियंस बताइए। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, ऊपर बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा। और ऊपर से व्यू वगैरह कैसा आया? बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम एक्टिविटी? फर्स्ट टाइम आपने किया है? बहुत डर लगता था पर वो चीज खत्म हो गई, हाइट से वो चीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। और कितना ऊपर तक आप गए? 300 400 के आसपास थे हम। अच्छा अच्छा, तो आपको व्यू वगैरह सब बढ़िया देखा ऊपर से ना, तो आप जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं, मैंने कम वीडियो बनाया, एंजॉय ज्यादा किया। थोड़ा सा लग रहा था फर्स्ट टाइम था, अच्छा पर एक बार आएंगे ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सो ऑडियो भी पार्थ जा रहा है तो इसका एक्सपीरियंस भी हम शेयर करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट पार्थ, ठीक है। सो गाइज अभी पार्थ भी राइड पे जाके आ चुका है, तो अभी पार्थ का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। पार्थ कैसा लगा? वेरी नाइस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस मतलब तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? यस। और मतलब कि ऊपर से व्यू वगैरह और कैसा फील ऊपर कैसा आया? बहुत तगड़ा आया, बहुत बहुत तगड़ा आया। लग रहा था डर लगेगा लेकिन नहीं लगा, डर नहीं लगा। जो आपके पीछे बैठे है ना वो एक्सपीरियंस है काफी। हमारे भैया है ना वो काफी एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ ऐसा कराते ना आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता। पता चला लैंडिंग टाइम पे? कुछ पता चला? नो। So, दोस्तों के साथ शेयर करना, हाँ लेके आना राइड पे, उनको भी एक्सपीरियंस देना, मजा आएगा उनको भी लेके ग्राउंड में। बाकी वीडियो तो देख ही लेंगे, ठीक है, वीडियो शेयर जरूर करना उनके साथ। गाइस आई होप आपको जो वीडियो आज हमने बनाया है पैरा मोटर पैरा ग्लाइडिंग का आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हमारे साथ पायलट भैया थे, मयंक भैया थे, मयंक के नाम का सॉरी, आज हमारे साथ पायलट भैया थे, मनीष भैया थे, तो इन्होंने काफ़ी सेफ जो राइड हमारी करवाई, काफ़ी अच्छा और एक्सपीरियंस से हमको राइड करवाई, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं, और आपका क्या काम है यार, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जयपुर के बारे में जो अनटच और अनएक्सप्लोर प्लेसेस है ना उसका वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ
मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। और इसी के साथ अगर अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो MISTR_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। भैया के पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।